नमस्कार आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ याचिक प्रक्रियाओं पर कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर हम याचिक प्रक्रियाओं पर कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे इसके पश्चात मैं याचिक प्रक्रियाओं के एक प्रमुख प्रकार मार्गो श्रृंखला की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो आइए शुरू करें पहले एक अभ्यास प्रश्न से जैसा कि पटल पर दिखाई दे रहा है कि हमें एक याचिक प्रक्रिया जो निम्न रूप से परिभाषित है दी हुई है यह याचिक प्रक्रिया एक्स टी आप देख सकते हैं दो याचिक चरों जिन्हें हमें आर और फाइ से इंगित किया है जो परस्पर स्वतंत्र याचिक चर हैं और जहाँ याचिक चर फाइ अंतराल धनात्मक ऋणात्मक पाई के बीच में एक समान रूप से वितरित है यह दिया हुआ है अब हमें यह पूछा गया है कि याचिक प्रक्रिया एक्स टी का स्वतः स संबंध को ज्ञात कीजिए जिसे अंग्रेजी भाषा में हम ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं तो अगर हमको याचिक प्रक्रिया का स्वतः स संबंध ज्ञात करना है तो हम देख सकते हैं कि क्या परिभाषा है स्वतः संबंध की तो स्वतः स संबंध किसी याचिक प्रक्रिया के समय के दो पड़ाव पर उस वो याचिक प्रक्रिया का जो मान है उनके गुणन के औसत के रूप में निम्न रूप से परिभाषित होता है तो आप देख सकते हैं कि स्वतः संबंध जिसे कि आर टी वन टी टू जो कि दो समय के अंतराल हैं अतः आप देख सकते हैं कि याचिक प्रक्रिया का मान हमने T1 और T2 समय अंतराल पर निकाला और उनके गुणन के औसत का मान जो होगा वही स्वतः संबंध का मान होगा तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि याचिक प्रक्रिया किस तरह से परिभाषित है किस फलन से परिभाषित है तो हम उस फलन का मान अगर इसमें प्रस्तुत करें उपरोक्त पद में तो हम देख सकते हैं कि यह दो जो ज्यामिति जो कोज्या जो हैं उनके गुणन से गुणन और जो आर जो हमारा चर दिया है आर के चर के वर्ग के औसत के बराबर होगा तो आप देख सकते हैं इसमें याचिक चर कौन से हैं तो याचिक चर यहाँ पे आर और फाई है तो अब अगर हम एक ज्यामिति सरसमिका का युग करें हमें पता है दो कोज्ञाओं के गुणनफल को हम निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं तो अगर हम ये माने कि ये दोनों कोज्जा फलन जो हैं दो से गुणा करके हमने ये दो से भाग कर दिया तो गुणित फलन को हम कुज्जाओं के दो योग और उनके ऋणात्मक पद से लिख सकते हैं जैसा कि आप निम्न पद में देख रहे हैं हमने या आर स्क्वायर का अपेक्षित मान निकाल लिया और चूंकि हमने इन दोनों पदों को निम्न रूप से लिखने के लिए दो से गुणा किया था अतः इसमें हमने दो से भाग कर दिया तो यह दोनों पद को हम इनके दिए हुए जो पैरामीटर्स हैं उनके योग और उनके अंतर से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एक पद याचिक से मुक्त है और दूसरा पद में याचिक है तो अगर हम औसत लेंगे तो हमें औसत इसी दूसरे पद का लेना पड़ेगा उसको लेने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा चूँकि किसी भी जो कोज्ज्या फलन है जो कि या चिक्चर फाइ से संबंधित है जो फाई जो है वह एक समान रूप से वितरित है धनात्मक और ऋणात्मक पाई के बीच में तो यह एक एक समान वितरित है तो इसका जो प्रायिकता घनत्व फलन होगा वह एक बटा दो पाई होगा चूँकि परास जो है वो दो पाई की है तो इस तरह से हम जानते हैं किसी भी जो कोज्ज्यालन का धनात्मक और ऋणात्मक पाई के बीच का जो इंटीग्रेशन है जो वह शून्य के बराबर होता है अतः यह दूसरा पद शून्य के बराबर हो जाएगा और हम लिख सकते हैं कि इस याचिक प्रक्रिया का स्वतः सहसंबंध निम्न रूप से परिभाषित होगा जो कि याचिक् चर आर के वर्ग के औसत मान को दो कोज्या फलन जो कि जो समयांतराल हमने लिया था टीवेंटी टू के समयान्तर पे निर्भर है और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि हम कैसे किसी भी याचिक प्रक्रिया का स्वतः संबंध निकाल सकते हैं आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और तरह के फलन को लें जैसा कि दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है हमें सामान्यतः हम, हम याचिक प्रक्रियाओं को एक सम्मश सच्चर के रूप में लिखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक समृश घातीय फलन दिया हुआ है जिसका कि प्रमाण ए एक याचिक चर है जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है प्रश्न के पहले भाग में और दूसरे भाग में उसी याचिक प्रक्रिया को थोड़ा और साधारण किया गया है यह मानते हुए कि वह याचिक प्रक्रिया इसी तरह के घातीय पदों के योग से बनी हुई है जहाँ पर हरेक घातीय पद का जो प्रमाण है वह ए, ए आई से इंगित किया गया है और उसका घूर्णन गति उमेगा आई से निर्दिष्ट किए जहाँ आई कोई एक संख्या है जिसके बारे में हमें कुछ याद नहीं है अब यह बताया गया है अगर यह याद चर ए परस्पर असंबंध है या अंग्रेजी भाषा में अनकोरिलेटेड है शून्य मात या औसत और विचरण सिग्मा आई स्क्वायर के साथ तो इस दशा में हम स्वतः संबंध को कैसे गाथ इस तरह की याचिक प्रक्रियाएं बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाती हैं अतः आइए इसके स्वतः संबंध को ज्ञात करें तो जैसा कि पहले ही हम हमें ज्ञात है कि एक समिच याचिक प्रक्रिया का मतलब अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्लेक्स रैंडम प्रोसेस जो याचिक प्रक्रिया एस एक्स टी है उसका स्वतः संबंध भी परिभाषित पूर्व की भांति होगा क्योंकि यह सम्मिश्र है अतः हम इसको निम्न रूप से परिभाषित करेंगे जहाँ पे यह तारा या स्टार आप जो है वो बता रहा है कि यह संयोगिक पथ है या कॉम्प्लेक्स कांजगेट है जो कि स्वतः संबंध के दूसरे चर से संबंधित है दूसरा चर यहाँ पे समय का दूसरा पड़ाव है जिसको कि हमने T2 से अंकित किया है तो ऐसी दशा में हम स्वतः संबंध निकालने के लिए इस फलन में हम जो याचिक चर की परिभाषा जो दी हुई है प्रश्न में उसको भर सकते हैं तो पहले भाग के लिए हम मानते हैं कि याचिक प्रक्रिया निम्न रूप से परिभाषित है तो हम इसका स्वतः संबंध इस तरह लिख सकते हैं किसी भी याचिक चर का गुणन और उसके संयुक्त याचिक से करने पर हमें पता चलता है कि वह इसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है तो यहाँ हम देख सकते हैं अपेक्षा हमने परिमाण के वर्ग की की और ये दोनों घातीय पद आपस में इस तरह इसको सरलेखित किया जा सकते हैं हम देख सकते हैं कि यह इस दशा में ये दी हुई याचिक प्रक्रिया का स्वतः सहसंबंध होता है अगर हम इसको दिए हुए उदाहरण के दूसरे लक्ष्य की ओर ध्यान दें तो ये देखते हैं कि यो याचिक चर ए आई जो कि परस्पर असह संबंध है तो इ, इसका मतलब दे आर म्यूचुअली अनको रिलेटेड तो इनके औसत शून्य है और इनका विचरण सिग्मा आई से दिया हुआ है सो so, ऐसी दशा में हम देखते हैं कि हम जो स्वतः संबंध निकाल रहे हैं वह कैसे निकलेगा जबकि याचिक प्रक्रिया इस तरह के घातीय पदों का का योग होती है आप देख सकते हैं कि पूर्व की भांति हमें परिभाषा पता ही है कि एक सम्मिश्र याचिक प्रक्रिया में हम स्वतः संबंध किस प्रकार परिभाषित करते हैं तो यहाँ पे भी यह संयोगिक पद है जहाँ याचिक चर का और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो दिया हुआ याचिक प्रक्रिया है वह ई के घात जे ओमेगा आई है तो इसका संयोगिक पद ऋण चिन्ह लगा के किया जा सकता है ऐसी दशा में हम देख सकते हैं कि जो अपेक्षा है वो याचिक चर वाले पदों की ही होगी तो वो हमें हमने उसको युग्मित कर लिया और इसका युग्म जो है हमें पहले से ही ज्ञात है किसी याचिक चर और उसके संयुग्मिक पद का गुणन जो होता है वो याचिकप के जबकि ये पता हो कि वो याचिक चर शून्य औसत का है तो वह उसके विचरण के बराबर होता है तो इस चीज़ को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि यह अपेक्षा जो होगी वो सिग्मा आई के वर्ग के बराबर होगी और जो बचा हुआ घाती पद है वो हम देख सकते हैं कि जो समय अंतराल जिन पे कि हमने ये सहसंबंध निकाला है वो उनके अंतर के ये पद जो है उनके अंतर पे ही निर्भर करेगा तो इस प्रकार हमने देखा कि याचिक प्रक्रिया अगर दो तरफ से परिभाषित है तो उसका हम स्वतः संबंध कैसे निकालते हैं आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रकार के याचिक प्रक्रिया लें जो कि एक नहीं और दो याचिक चरों पर निर्भर करती है तो इसके लिए हम यह मानते हैं कि अगर हमें एक याचिक चर जो उमेगा दिया है जिसका कि प्रायिकता घनत्व फलन भी हमें ज्ञात है और एक अन्य याचिक चर जो कि फाई से इंगित है जो कि अंतराल ऋणात्मक धनात्मक पाई में एक समान रूप से वितरित है और यह भी ज्ञात है कि यह दूसरा यात्रिक चर फाई पहले चर ओमेगा से स्वतंत्र है ये दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं तो इन यात्रिक चरों की सहायता से एक याचिक प्रक्रिया का को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जैसा कि आप पटल पर देख रहे हैं तो ऐसी दशा में हम ये दिखाइए कि ये याचिक प्रक्रिया जो हमने परिभाषित की है वो व्यापक अर्थ में स्थिर है या वाइट सेंस स्टेशनरी है अंग्रेजी भाषा में शूनिमाद और निम्नलिखित स्वसंबंध के साथ जो स्वसंबंध का नीचे जो फलन दिया है वो हमें इसको ज्ञात करना है जिसमें कि परिभाषा दी हुई है कि यह फलन को हम एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं यदि हम इस या चर ओमेगा के अभिलक्षणिक फलन या कैरेसिस्टिक फंक्शन के संबंध में अगर व्यक्त करना चाहें तो आइए हम प्रश्न के हल की देखें कि कैसे इसका हल हम प्राप्त करेंगे सो इस तरह के प्रश्न चूँकि हमें ये ये सिद्ध करना है कि ये व्यापक में स्थिर है इसके लिए हम पहले यह देखेंगे कि अगर हमें दो याचिक्चर दिए हैं मानिए कि एक्स और वाई जो कार्यमूलक रूप से संबंधित हैं यानी उनके बीच में कोई फलन परिभाषित हो सकता है जैसे कि चर वाई एक फलन जी दूसरे चर एक्स से परिभाषित है तब एक्स और वाई पटल में चर के पटल में तो प्रायिकता द्रव्यमान एक रेखा जो कि वाई बराबर जी एक्स से परिभाषित है पर स्थित होंगे और अतः अगर हम औसत मान निकालेंगे अगर प्रतिबंधित प्रायिकता या चिक्चर वाई की एक्स के दिए हुए मानों पे तो वह इस फलन के बराबर होगी या याद रेखा के बराबर होगी तो पहले हम इस संबंध को परिभाषित करते हैं की व्याख्या करते हैं उसके प्रकार दिए हुए प्रश्न के हल की ओर बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी चर की कि किसी विशेष मान के लिए याचिक चर वाई का सप्रतिबंध जो है औसत जो है वो निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है तो ये सप्रतिबंध औसत चर वाई का चर एक्स के किसी दिए हुए मान एक्स के लिए तो यह हमने पहले भी देख रखा है इस तरह की परिभाषा को कि कैसे हम सप्रतिबंध औसत की परिभाषित करते हैं तो यह होगा याचिक चरवाई को हम घुणित कर दें अगर एक ऐसे प्रायिकता द्रव्यमान फलन जो कि ये स्व्रतिबंध के लिए परिभाषित हो और उसको हम अगर समाकलित करें चूँकि याचिक चरवाई के बारे में हमें कोई मान नहीं प्राप्त है तो मान लेते हैं कि वाचिक चरवाई जो है वो अनंत से धनात्मक और ऋणात्मक अनंत के बीच में परिवर्तित मान लेता है इस तरह के प्र, यह प्रायिकता किसी भी सप्रतिबंध औसत की की परिभाषा है अब x के किसी दिए हुए मान के लिए इ, हम देख सकते हैं कि ये उपरोक्त समाकलन जो है वो अगर एक पट्टिका जैक हम एक्स का मान जो है एक छोटे से अंतराल में परिवर्तित हो रहा है एक्स धन एक्स से एक्स धन डी एक्स जो कि एक छोटा मान है एक्स का वे अगर रहता है तो वो प्रायिकता दरमान इस पट्टिका में प्रायिकता दरमान के गुरुत्व केंद्र को दर्शाता है तो यह समाकलन जो यह समाकलन जो है उनके गुरुत्व केंद्र को दर्शाता है इसीलिए हमने बताया था ऊपर कि यह प्रायिकता द्रव्यमान के केंद्र को दर्शाता है इन बिंदुओं का बिंदुपथ एक्स के मान जो कि ऋणात्मक धनात्मक अनंत मिलेगा में, में परिवर्तित होने पर एक फलन देता है एक फलन देगा चूंकि हम y को समाकलित कर देंगे तो हमें x के रूप में एक फलन प्राप्त होगा तो यही फलन जो है यह हम समझ सकते हैं कि यह एक फलन देगा और इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं कि यह एक्स वाई पटल है जहाँ पे एक्स के दो मानों जो कि एक्स में एक छोटे मान के बढ़ने के बीच में बनी हुई का में यह समाकलन करने पे यह बिंदु प्राप्त होगा यह होगा इस प्रायिकता द्रव्यमान जो इस एक्स वाई पटल में है का केंद्र अगर हम इसी समाकलन को जो एक्स के सारे मान जो कि ऋणात्मक धनात्मक अनंत के परिवर्तित होने पे जो प्राप्त होगा तो हमें एक ये जो जो इन बिंदु का जो बिंदुपत होगा इन प्रयप वो एक एक फलन देगा एक एक्स के रूप में यही फलन जो है यही प्रायिकता, यही इसका यही जो है प्रसतमंद औसत के बराबर होता है तो यह संबंध जो हमने दिखाया है इस प्रायिकता दमान के जो बिंदुपथ है उसको हम प्रतिगमन रेखा के रूप में भी जानते हैं या अंग्रेजी भाषा में रिग्रेशन लाइन भी कहा जाता है तो इस संबंध की सहायता से आइए हम अब ध्यान केंद्रित करें दिए हुए प्रश्न के ओर तो यह थोड़ा सैद्धांतिक पक्ष था हमारे प्रश्न का हल निकालने के लिए तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले पटल पर उद्धृत परिणाम की सहायता से हम लिख सकते हैं कि निम्न फलन का औसत को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह दो याचिक चरों का फलन है जिसको कि हमने एक सप्रतिबंध किया है एक याचिक चर के किसी मान उमेगा के लिए तो यह उसके औसत मान के बराबरों का जैसा कि हमने पिछले पटल में दिखा ही रखा है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि याचिक चरों उमेगा और फाइ के स्वतंत्र होने की दिशा में यह इस प्रकार है की? कि कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो चूंकि यह एक कोज्या का फलन है जो कि दो चरों के धनात्मक के रूप में परिभाषित है तो इसको हम जामिति सर्वसमिकाओं के माध्यम से निम्न प्रकार विभक्त कर सकते हैं और आप विभक्त करने पे यह देखेंगे कि यह, यह एक ही याचिकचर का फलन रह जाता है क्योंकि यहाँ पे दूसरा याचिक उमेगा का किसी मान के लिए हमने इस फलन को परिभाषित किया है तो अब हम जानते हैं कि ये दूसरे पद जिनमें कि याचिक चर है स्थित है ये याचिक चर फाई जो कि हमें दिया हुआ है कि एक समान वितरित है एक अंतराल में जो कि धनात्मक ऋणात्मक पाई है तो इस की परिभाषा फ्रम परिभाषा के अनुसार किसी भी कोज्जा फलन और या किसी भी जामती फलन को अगर हम समाकलित करें इस अंतराल में तो वह समाकलन शून्य के बराबर होता है तो अतः इस परिणाम का हम इस्तेमाल करते हुए उपरोक्त पद में ये ये बता सकते हैं कि दिए हुए याचिक च जो कि निम्न पार प्रशासित का अपे की अपेक्षा या उसका औसत शून्य होगा चूँकि ये सारे पद शून्य हो जाते हैं तो इसलिए यह औसत शून्य होगा मतलब कि हमारा परिभाषित जो याचिक प्रक्रिया है उसका माध्य औसत का मान शून्य होता है हम यहाँ पे एक और समरूप तर्क द्वारा हम एक और परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम निम्न फलन का अगर हम प्रसबन्ध औसत निकालें तो वह भी शून्य होगा अब ये पद हमने ऐसा क्यों निकाला है चूँकि अभी आपको इसकी आवश्यकता पता चल जाएगी क्योंकि हमें यह दिया हुआ है कि यह याचिक प्रक्रिया व्यापक रूप से स्थिर है कि नहीं है तो इसके लिए हमें इसका स्वतः संबंध निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हम इस परिणाम को ज्ञात कर ले रहे हैं जो कि आगे काम आएगा तो आइए दूसरे पटल पर चलें जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्यामितीय सरसमयिकाओं के उपयोग से हम लिख सकते हैं कि अगर दो तो कोजा फलन जैसा कि दिए हुए हैं पटल पे अगर इनके दुगने को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो इनके दिए हुए जो पैरामीटर हैं जो इनके फलन के जो दो दिए हैं वो इनके योग और अंतर के बराबर हैं जब अंतर करेंगे तो हमें ये कास उमेगा टाऊ मिलेगा और जहाँ की टाऊ जो है एक समय अंतराल है और यहाँ पे ये फलन ये फलन हमने पूर्व में ही निकाल रखा था कि इसका औसत मान शून्य होगा तो इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम इसका स्वतः संबंध निकालें स्वतः संबंध में हमें याचिक जो दिए हुए जो याचिक प्रक्रिया है उसका मान समय के दो बिंदुओं जैसे कि यहाँ पे टी और टी धन टाउ पे हमने निकाला है पे निकाल के इनके गुणन के औसत के बराबर होगा तो अगर हम यह औसत लेंगे तो ये औसत का मान हमें पता चल जाएगा कि यह औसत का मान जो है वह केवल इसी पद के बराबर होगा तो अतः हमने यहाँ पे यह निकाला कि ये याचिक प्रक्रिया का जो स्वतः संबंध है वह उसका मान जो है वह केवल जो अंतराल है जिस अंतराल पे हमने ये इसका स्वतः संबंध निकाला वह उस पर ही निर्भर करता है तो यह यह सिद्ध करता है कि हमारा परिभाषित याचिक प्रक्रिया एक व्यापक रूप में स्थिर होगी यह समय के किसी मान पर निर्भर नहीं करेगी यह केवल समय अंतराल पर निर्भर करेगी तो इस तरह की याचिक प्रक्रिया जो उपरोक्त दो पद याचिक चारों ओमेगा और फाइ के साथ परिभाषित है इसको हम निम्न रूप से अगर हम एक याचिक प्रक्रिया परिभाषित करें जो कि इसका अंग्रेजी भाषा में एक पोलर फार्म है जो कि आप लिख सकते हैं कि यह इस तरह से परिभाषित है एक घाती पद सम घाती के रूप में तो यह जो है एक व्यापक अर्थ में स्थिर होगी शून्य माद और निम्नलिखित स्वतः स्वतः सह संबंध के साथ तो इसका अगर स्वतः संबंध हम निकालेंगे जैसा कि हम परिभाषा पहले ही दे चुके हैं कि समय याचिक प्रक्रिया का स्वतः संबंध हम कैसे निकालते हैं तो उस तरह हम ये देख सकते हैं कि यह स्वतः संबंध जो है वह केवल समय अंतराल पर ही निर्भर करता है यह समय पर निर्भर नहीं करता अतः यह व्यापक स्तर में स्थिर है और यह फलन जो है यह याचिक्षर ओमेगा का अभिलक्षणक फल और या कैरेस्टिक्स फंक्शन है जो कि इस तरह से परिभाषित होता है अतः हमने प्रश्न में दिए हुए सभी पदों जिसके कि हमें व्याख्या करने को दिया था हमने निम्न रूप से व्याख्या कर ली और यह दिखा दिया कि परिभाषित याचिक प्रक्रिया एक व्यापक रूप में स्थिर प्रक्रिया होगी आइए अब हम अपना ध्यान याचिक प्रक्रिया के कुछ विभिन्न प्रकारों पर केंद्रित करें याचिक प्रक्रिया हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली बहुत सी समस्याओं और बहुत सारे स्थितियों में की परिभाषा और उनके बारे में गणना करने के लिए बहुत ही सहायक होती है याचिक प्रक्रिया के कुछ प्रमुख प्रकार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो इस प्रकार है एक बहुत ही उपयोगी याचिक प्रक्रिया जिसे कि मार्को श्रृंखला भी बोलते हैं ये बहुत ही उपयोग में आती है ये सारी याचिक प्रक्रियाएँ के दो रूप होते हैं एक होता है एक असतत समय के असतत समय याचिक प्रक्रिया या डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस और दूसरा है सतत याचिक प्रक्रिया या कंटिन्यूस टाइम रैंडम प्रोसेस तो मार्कोव की भी दो व्याख्याएं होती है एक असतत समय के लिए एक सतत समय के लिए और अन्य सभी याचिक प्रक्रियाएं जिनका के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ वो सभी के भी असतत और सतत प्रकार होते हैं एक अन्य याचिक प्रक्रिया जिसे कि याचिक चाल या रैंडम वॉक बोलते हैं वो भी बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है जिसके कि सतत समय को हम ब्राउनियन चाल भी कहते हैं पाइसन प्रक्रिया इस एक उदाहरण है याचिक प्रक्रिया का इसी तरह हम स्वतः प्रतिगामी याचिक प्रक्रिया या ऑटो रिग्रेसिव रैंडम प्रोसेस भी एक उपयोगी याचिक प्रक्रिया है और एक दूसरा प्रकार उस तरह की है जिसको चलती औसत या मूविंग एवरेज याचिक प्रक्रिया या इन दोनों का संरक्षण स्वतः प्रतिगामी चलती औसत याचिक प्रक्रिया सो ये सब याचिक प्रक्रियाएं विभिन्न विभिन्न समस्याओं के परिभाषा और उनके बारे में गणना करने के लिए बहुत उपयोगी हैं लेकिन समय की अल्पता के कारण मैं आपके सामने केवल असत समय मार्ग श्रृंखला के बारे में ही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ तो आइए हम परिभाषित करें असतत समय मार्कोव श्रृंखला सो so, असतत समय मार्कोव श्रृंखला निम्न रूप से परिभाषित होती है एक यह माने कि हमें कोई एक याचिक प्रक्रिया जो कि असत समय के लिए परिभाषित है जहाँ समय जो है वह एक जो है हमेशा पूर्णांक लेगा शून्य एक दो अन्य तो यह, यह सारी याचिक प्रक्रिया का मान समय के अलग अलग पड़ाव परस्पर स्वतंत्र है और इसका विश्लेषण काफ़ी सरल होता है हालांकि अगर हम वास्तविक जीवन की बहुत सारी प्रक्रियाओं के संबंध में बात करना चाहेंगे तो ये स्वतंत्रता की धारणा मान्य नहीं होती है क्योंकि स्वतंत्र होने से उस या, याचिक प्रक्रिया के वर्णन में गणना गर, करना और यह विश्लेषण करना बहुत ही सरल हो जाता है लेकिन दैनिक जीवन में जो हमारे याचिक प्रक्रियाएँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ यह स्वतंत्रता की जो धारणा है वो सर्वधा मान्य नहीं होती है तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक याचिक प्रक्रिया की परिभाषा कर रहे हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मार्कोव श्रृंखलाएँ आमतौर पर संभाव प्र में स्थितियों के विकास के प्रतिरूपण के रूप में उपयोग लाई जाती हैं ऐसी याचिक प्रक्रिया जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जाती है और में घूमती रहती है तो उस तरह की याचिक प्रक्रियाओं को हम परिभाषित करने के लिए या प्रतिरूपण करने के लिए मार्कोट श्रृंखला की परिभाषा दी गई तो मान लीजिए कि एक असत समय याचिक प्रक्रिया दी हुई है जो कि विभिन्न स्थितियों जिनको की हमने एस से दिखाया है जो कि मान लेती है शून्य एक या कुछ भी ये उसकी विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं याचिक प्रक्रिया में और यह समय जो कि असतत है तो ऐसी याचिक प्रक्रिया किसी समय एन पर अगर स्थिति आई में है तो हम ये कहते हैं कि याचिक प्रक्रिया आईवी स्थिति में है और एक अन्य समय पे वो याचिक प्रक्रिया आई से किसी और स्थिति में चली जाएगी या वो आई स्थिति में भी रह सकती है तो इस तरह की प्रक्रिया को हम एक असल समय याचिक प्रक्रिया कहते हैं और यदि हम यह कहें कि यह याचिक प्रक्रिया एक मार्कोव श्रृंखला है तो हमें निम्न गुण इसमें परिभाषित करना पड़ेगा वो क्या गुण है कि हम यह कहेंगे कि इस बात की प्रायिकता, इस बात की संभावना कि याचिक प्रक्रिया किसी समय एम धन वन पर अगर किसी स्थिति जे में है तो वह अम वे समय में इसके एक पिछले पड़ाव समय के पिछले पड़ाव पे वह आई स्थिति पे थी और उसके पिछले पे वो कुछ पिछले स्टेट पे थी और वह प्रक्रिया किसी समय की शुरुआत पे किसी एक स्थिति में थी तो यह सारी स्थितियाँ बताती हैं कि याचिक प्रक्रिया जो है वह अपना मान समय के अलग अलग पड़ाव पे जो है स्थिति शून्य से लेकर विभिन्न स्थितियों से होते हुए अभी समय के किसी पड़ाव एम धन एम पे अगर स्थिति जे में है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी तो अगर यह आप देख सकते हैं ये बहुत सारी स्थितियां हैं इसकी परिभाषा निकालना काफ़ी कठिन होगा लेकिन मार्कोव श्रृंखला में एक विशेष गुण होता है कि यह की, कि याचिक प्रक्रिया किसी समय में अगर किसी स्थिति पे है तो उसमें जो संभावना है वह संभावना केवल इस बात पर निर्भर करती है कि याचिक प्रक्रिया उस समय के जस पीछे वाले पड़ाव पर किस स्थिति में थी यह निर्भर नहीं करता कि वो पिछले से पिछले या उसके पिछले वो किस स्थिति पर रही तो यही गुण जो है इसको मार्कोव ने परिभाषित किया था इसलिए इस तरह की श्रृंखला को हम मार्कोवी श्रृंखला बोलते हैं तो आइए आप इस गुण की थोड़ी और परिभाषा करें तो यह चीज़ समय के ये सभी मानों के लिए स्थितियों के सभी मानों के लिए और समय के सभी मानों के लिए परिभाषित है तो इसकी परिभाषा आइए हम करते हैं कि यह गुण क्या है तो मान लीजिए कि स्थिति की संख्या परिमित है या लिमिटेड है तो मान लीजिए कि हमने केवल आर स्थितियाँ परिभाषित की हैं कोई याचिक प्रक्रिया केवल आर स्थितियाँ ले सकती है आर एक कोई अंक है जिसकी संख्या एक दो तीन चार पाँच या जितने भी आप रखना चाहें हम इसे एक परिमित मार्कोव श्रृंखला कहेंगे अगर यह स्थितियाँ अगर परिमित नहीं है तो अपरिमित मार्ग श्रृंखला हो जाएगी उसमें स्थितियाँ हमेशा बदलती रहेंगी कितनी स्थितियाँ हैं शायद इसकी गणना हमें नहीं पता होगा वो अनंत हो सकती हैं तो ये संख्याएँ जो कि हमने ये सौ प्रायिकता बताई है कि कोई याचिक प्रक्रिया समय के पड़ाव एम धन पे वन पे अगर वो जे पे है तो एम वे पड़ाव पे वो आई पे थी कि नहीं तो यह याचिक प्रक्रिया स्थिति आई से स्थिति जे में आई तो इसकी प्रायिकता क्या होगी तो यह संक्रमण है स्थिति आई से जे पे यह संक्रमण के पहले वह याचिक प्रक्रिया एम बे पड़ाव के पहले भी अन्य स्थितियों पर थी लेकिन मार्को की परिभाषा के अनुसार यह सप्रतिबंध प्रायिकता केवल पिछली स्थिति पर ही निर्भर करती है पिछली से पिछली स्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यह माना जाता है कि यह समय पर निर्भर नहीं होती है यह श्रृंखला के, के कैसे श्रृंखला जो है वो श्रृंखलाओं में किस तरह की स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं उस पर नहीं है वो पिछली स्थिति पर ही निर्भर करेगी तो अतः इस संबंध को हम लिखते हैं यह है संक्रमण की प्रायिकता स्थिति आई से स्थिति जे में जाने की जो कि दिखाती है कि याचिक प्रक्रिया एमवे ये कोई भी समय हो सकता है एम स्थान अगर वह जीती तो वह अगले पड़ाव पे अगर स्थिति जे में जा रही है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यह संक्रमण की प्रायिकता है इस संक्रमण की प्रायिकता को हम और परिभाषित कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे यह चर दिया हुआ है तो हम इस चर को मान सकते हैं कि यह परिभाषा जब या चिकाया शून्य समय के शुरुआत से अपने अगले पड़ाव पे अगर स्थिति आई से जे में जाए या पहले पड़ाव पे दूसरे पड़ाव में स्थिति आई में जय में जाए या इस प्रकार तो इस पर जब भी याचिक चक्रिया का संक्रमण स्थिति आई से समय के दूसरे पड़ाव में जे में होगा तो वह सारी प्रायिकता इन्हीं इसी प्रायिकता जैसे कि जो हमने पी स्मॉल पी आई जे से इंगित किया है से बराबर ये सारी प्रायिकताएं बराबर होंगी इस सारी संक्रमण के लिए अतः हम ये कह सकते हैं कि याचिक प्रक्रिया आई स्थिति में तो वह प्रायिकता पी आई जे के साथ जे स्थिति में जाएगी और वह किसी भी समय होगा उस पर निर्भर नहीं करता वो केवल स्थिति पर ही निर्भर करता है तो यह हमने परिभाषित किया कि मार्कोव श्रृंखलाएँ क्या होती हैं मार्कोव श्रृंखलाएँ जो कि एक प्रकार हैं याचिक प्रक्रिया का आइए इसके कुछ और गुण हैं जिसकी परिभाषा करें सो so, किसी भी आच्छिक प्रक्रिया को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो उसके लिए हमें जो उसका मूलभूत गुण है हमें पता होना चाहिए कि स्थिति संक्रमण अवयू क्या है तो हम चूँकि परिमित मार्कोव श्रृंखला के संबंध में ये परिचर्चा कर रहे हैं तो माना कि मार्कोवी ज स्थिति परिवर्तन की संभावनाओं को स्थिति संक्रमण अवयु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उदाहरण के लिए अगर हम एक आर स्थिति वाली मार्को श्रृंखला के लिए स्थिति संक्रमण आव्यू या स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स अंग्रेजी भाषा में या संक्रमण संभावना आव्यू या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है हम बोलते हैं एक आव्यू जिसमें कि यहाँ पे हमारी स्थितियाँ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये आर स्थितियाँ हैं यह है कि स्थिति वो याचिक प्रक्रिया किस स्थिति में है और जो इसका स्तंभ है वो जो पंक्तियाँ हैं वो दिखा रहे हैं कि वह याचिक प्रक्रिया किस स्थिति में है जैसे कि यह इस पहली स्थिति में है दूसरी स्थिति में है या आर्वीं स्थिति में है और इसी तरह से जो स्तंभ है वो बता रहे हैं कि याचिक प्रक्रिया उस स्थिति से किस स्थिति में जा रही है तो यह भी आर चूँकि परिमित स्थितियां हैं तो वह याचिक प्रक्रिया एक से एक में ही रह सकती है या एक से दो में जा सकती है दो से एक से आर में जा सकती है इसी प्रकार जब याचिक प्रक्रिया दो में है तो वह दो से एक में जा सकती है दो से दो में रह सकती है ए इस प्रकार तो यह सब जो है यह संक्रमण की संभावनाएँ हैं याचिक या मार्को श्रृंखला में विभिन्न स्थितियों से विभिन्न स्थितियों में जाने की वह उसमें उस स्थिति में खुद रहना जाना उसी स्थिति पर जाना मतलब उस स्थिति पर रहने की संभावना पे भी सम्मिलित करती है तो ये सारी संभावनाएं जो आप देख सकते हैं वो स्थितियों के स्वयं में रहने की है समय के अगले पड़ाव पे चूँकि ये सब जो संख्याएं हैं जो इसके जो अवयोग के जो पद हैं वो सब एक प्रायताएँ हैं तो संभावनाएं हैं तो संभावना, है, तो संभावना हमेशा शून्य से बड़ी या शून्य के बराबर ही होंगी वह कभी ऋणात्मक नहीं होंगी किसी भी स्थिति के किसी भी मान आई जे के लिए तो यह देखते हुए कि स्थिति आई हुई स्थिति में है अगली स्थिति संभावित स्थितियों में से कोई एक ही होगी चूँकि स्थितियाँ परिमित हैं अगर हम किसी भी स्थिति में हैं तो याचिक प्रक्रिया उस स्थिति में जो जितनी भी परिमित स्थितियां हैं उन्हीं में ही संक्रमण कर सकती है उस स्थिति को लेते हुए अतः संक्रमण आयु के किसी भी पंक्ति का योग एक इकाई होगा क्योंकि यह पंक्ति दिखाती है कि याचिक प्रक्रिया स्थिति एक में थी वह एक से एक में गई रही या गई और या एक से दो में गई और एक से आ। तो यह सारी जो प्रयक्ताएँ हैं इनका योग हमेशा इकाई होगा चूँकि यह परिमित मार्गो श्रृंखला के लिए इस तो ये घटना हमेशा ही होगी तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी इस संक्रमण के किसी भी पंक्ति का अगर हम सम, सम क, का योग करें सारी या शिक्षण में सारी स्थितियों के ऊपर तो हम देखेंगे कि वह योग एक इकाई एक के रूप में आएगा अक्सर हम मार्गो श्रृंखला को एक आरेख के रूप में भी जिसको कहते हैं स्थिति संक्रमण आरेख के रूप में देते जो कि कभी कभी जब जब ah, ah, हमारा श्रृंखला छोटी होती है तो उसको पढ़ने में या देखने में समझने में हमारे आसानी होती है तो मान लीजिए कि एक तीन स्थिति वाली मार्कोव श्रृंखला का स्थिति संक्रमण आवयु निम्न प्रकार दिया हुआ है तो एक तो यह है इसी को हम एक आरेख के रूप में भी दिखा सकते हैं जिसे कि हम स्थिति संक्रमण आरेख बोलते हैं तो आप जैसा देख सकते हैं इस आरोप को निम्न रूप से बनाया जाता है कि हम जितनी स्थितियां हैं हम उन्हें एक छोटे से गोले से बनाते हैं उसमें जो संख्या लिख देंगे जो कि स्थिति की संख्या होगी या ये कोई कुछ भी हो सकता है जो भी आप स्थितियों को इंगित करना चाहें अब हम देखते हैं आव्यू में कि यह है पहली स्थिति के पहली स्थिति में असद समय के दूसरे प्राव में रहने की है तो यह आपने देखा कि यह हमने एक तीर बनाया जो कि स्थिति से एक से ही एक में चला गया जिसकी कि प्रायिकता हमने अभी उसे एक बटा चार लिख दी फिर स्थिति एक से वो स्थिति दो में प्रक्रिया जा सकती है जिसकी की संभावना एक बटा दो है तो आप देख सकते हैं एक से दो में एक हमने एक तीर बना दिया उस तीर पे यहाँ ये यह प्रायिकता लिखी है कि स्थिति एक से स्थिति में जाने की प्रायिकता इस प्रक्रिया की एक बटा दो है इसी तरह स्थिति में एक बटा चार तो आप देख सकते हैं एक बटा चार तो इसी तरह सारी स्थितियों की जो संभावनाएं हैं वो हमने इस आरेख में डाल दी तो इससे यह दिखाई देता है कि ये ये इसी का ही चित्रण है सारी प्रायिकताओं का स्थिति संक्रमण की प्रायिकताओं का कि इसमें कितने याचिक प्रक्रिया में कितनी स्थितियाँ हैं और परस्पर वो स्थितियों में संक्रमण कितना संभावी है Osionfish. जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने वाले तीर जो है वो एक संक्रमण संभावना को दिखाते हैं तो कुछ स्थितियों में हमें तीर नहीं मिल रहे हैं जैसे कि हम स्थिति दो से स्थिति तीन में आ सकते हैं लेकिन स्थिति तीन से स्थिति दो में जाने का तीर नहीं दिया है ऐसा इसलिए है कि जब कोई भी स्थिति आई स्थिति से जैवी स्थिति में कोई तीर नहीं है तो यह दर्शाता है कि उस संक्रमण की संभावना शून्य या वह संक्रमण असंभावी है तो यह वह संक्रमण नहीं दिखाया गया है तो ये यहाँ पे जो शून्य हैं प्रायिकताएं, है, वह आरेख में वो उन तीरों को न दर्शाने से होती हैं अब और आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें मार्कोव श्रृंखला जो कि एक याचित प्रक्रिया है उसमें स्थितियों की सम्यताओं का वितरण किस प्रकार होता है तो आप जैसा जानते हैं कि एक मार्कोव श्रृंखला असतत माइक्रो श्रृंखला परिमित स्थितियों वाली परिभाषित है और मानिए कि अगर हम समय के शुरुआत में जिसको कि हमने एक जीरो से लिखा तो संभवता का, का वितरण ज्ञान है मतलब कि वह मार्कोट श्रृंखला शुरुआत में किस स्थिति में होती है यह हमने एक पंक्ति सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है यह परिभाषा है उस मार्कोव श्रृंखला के स्थिति एक में होने की स्थिति दो में होने की स्थिति आर में होने की तो यह आप देख सकते हैं आर मान का एक पंक्ति सदिश बनाया है इस यह बताता है कि शुरू होने में शुरुआत में याचिक प्रक्रिया की कि किसी भी स्थिति से शुरुआत होने की संभावना क्या है तो अब आप देख सकते हैं जब यह अब याचिक प्रक्रिया चल रही है तो विभिन्न विभिन्न घटनाएं आएंगी जैसे कि एक्स वन एक्स टू यह समय के विभिन्न अंतराल पे, तो ये इनकी संभावना का वितरण इनकी संभावना क्या होगी इसका अगर हमें वितरण निकालना है तो कुल संभावना नियम का हम उपयोग करके निकाल सकते हैं कि जितने भी उसकी स्थितियां हुई हैं उन सब की कुल संभावना अगर हम ज्ञात कर लें तो हमें उससे इस संभावता का वितरण ज्ञात हो सकता है तो जहाँ पे हमें पता है कि ए, अगर किसी भी याचिक प्रक्रिया के समय एक पर असतत समय एक पर स्थिति जे में होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह याचिक प्रक्रिया या मार्गो श्रृंखला शून्य समय पे यानी पिछले समय पे अगर वो केवी स्थिति में थी तो अब वह समय के अगले समय के अगले पड़ाव में जैव स्थिति में आ गई तो यह तो यह स्व्रतिबंध प्रायिकता अगर हमें यह ज्ञात हो यह हमें ज्ञाती होती है आपने आप ही हमें देखा था यह ज्ञाती होती है और इस बात की प्रायिकता कि वह श्रृंखला के शुरुआत में जो है वह किसी भी स्थिति या जिसको कि हमने के से संबंधित किया है में होने की प्रायिकता क्या है लेकिन हमें स्थिति का ज्ञान नहीं है क्योंकि हमें तो केवल प्रायिकता निकालनी है कि वह स्थिति मार्कोव श्रृंखला समय के प्रभाव एक पे जी में है तो यह के वह सारी स्थितियां हो सकती हैं जो कि हमारे स्थितियों की कुल संख्या है जो कि एक से आठ तक है तो अगर हम इसे इस पर सम का योग करें इन इस पर इन प्रायिकताओं के गुणन को तो इसको हम दिखा सकते हैं कि संभावना या संभावना का वितरण क्या होगा तो हम जानते ही हैं कि ये परिभाषा अनुसार ये है संक्रमण की प्रायिकता स्थिति के से जे में जाने की जहाँ के के मान हमें है नहीं तो हम के के सारे मान जो कि एक से आर के बीच में होंगे उसको योग करके हम इस प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं तो यदि हम साधारणता इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर समय के एनवे पड़ाव पर अगर याचिक प्रक्रिया का स्थिति एक में रहने दो में रहने और तीन में रहने की प्रायताएँ भी इस तरह से जैसा कि देख सकते हैं पाई के घात एन से हमने किया यह घात नहीं है यह दिखाने के लिए समय है ये ये वर्ग नहीं है तो इसलिए हमने इसको एक छोटे से ब्रैकेट से में डाल रखा है तो यह दिखाने के लिए यह समय का पड़ाव है ये ये वर्ग नहीं है तो इस तरह से परिभाषित करते हैं तो इससे हमें कुछ सहूलियत मिलेगी इसको कि हम यह देख सकते हैं कि उपरोक्त परिणाम जो आवयु गुणन के रूप में हम परिणाम को आवयु गुणन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में चूँकि यह एक सदेश हमने बनाया है और ये जो प्रायिकता संक्रमण का अवयू है अगर हम उससे उसे गुणित कर दें तो आप देख सकते हैं कि यह यह पद जो है वह सारे योग के बराबर है तो अगर हम इसका अवयु गणन करेंगे तो हमें समय एक पर मार्कव श्रृंखला के विभिन्न स्थितियों में होने की प्रायिकता सदेश का ज्ञान हो जाएगा और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि हम दो पे करने के लिए एक पाई एक पे हम पी से गुणित कर सकते हैं या इसी में पाई शून्य के को हम पी गुणित पी या जो आवयु है उसके वर्ग से गुणित कर सकते हैं तो यह परिणाम हम और सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि किसी भी समय के किसी भी के उसके अगले पड़ाव में अगर हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं कि या योजना प्रक्रिया की किस किस स्थिति में क्या प्रायिकता है तो वह हम निम्नलिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और वह यह, यह अगर हम इसको शुरुआत से निकालना चाहें तो हम देखेंगे कि अगर अनवे समय पर हम निकालना चाहते हैं तो जो प्रायिकता आवयु है उसके अनवे घात को निकाल कर उसके अगर गुणित कर देंगे तो वह प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगी तो इस पद को प्राप्त करने के बाद हम ये हैं कि उपरोक्त तुलना में आप देख सकते हैं कि स्थिति का परिवर्तन एक ही चरण में होता है तो अगर हम ये माने कि हम उस प्रायिकता के संभावना की गणना करने में रुचि रखते हैं जब स्थिति आई से स्थिति जे में परिवर्तन समय के एक पड़ाव में नहीं हो समय के दो चरणों या दो पड़ाव में हो अर्थात निम्न प्रकार से कि यह याचिक प्रक्रिया या मार्कोव श्रृंखला स्थिति आई से स्थिति जे में जाती है दो चरणों में दो, दो पदों में समय के दो पदों में या दो चरणों में इसका मतलब कि वह प्रक्रिया अगर शुरुआत होती है उसकी समय के पहले पड़ाव पर जब वो आई स्थिति में है तो वो समय के दूसरे पड़ाव में जी में जाती है ना कि पहले पड़ाव में यही इसमें परिवर्तन है तो ऐसी दशा में हम देख सकते हैं कि हमने एक पड़ाव के बारे में ज्ञात नहीं कि वो पहले पड़ाव शून्य के बाद वह एक में समय के अगले पड़ाव जो एक होगा उसमें याचिक प्रक्रिया, प्रक्रिया कहाँ पर है तो वो कहाँ होगी चूँकि स्थितियों की संभावना परिमित है तो हम जानते हैं को किसी एक स्थिति में होगी और वह मान लें वो स्थिति जो है वह के है तो हमने ये मान लिया कि याचिक प्रक्रिया शून्य से समय के शुरुआत से आई में रहती है फिर वो केवी स्थिति में जाती है फिर वो दूसरी स्थिति में वह जैवी स्थिति पहुँचती है तो यहाँ पे हम ये प्रक्रिया के और हम जानते हैं कि आई से के में आने की संभावना जो है वह सप्रतिबंध संभावना तो जो कि हमको अबियो से हम मिल ही सकता है या आर्ख्य से मिल सकता है तो अब हमें ये पता नहीं है कि वो केमा स्थिति क्या है हमें पता है कि वो कुल जो स्थितियाँ हैं उन्हीं में से कोई एक स्थिति होगी तो हम इस पद को सारे स्थितियों के सारे संभावनाओं के लिए गणित करके उसका योग कर देते हैं तो इस प्रकार हमें ये प्रायिकता दो चरणों में होने वाले संभावना की प्रायिकता की गणना हम कर सकते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्ग को भी है तो अतः यह प्रायिकता, ये इस पड़ाव के नाम नहीं केवल एक और दो के बीच में होने वाले स्थिति एक और दो पर ही निर्भर करेगी तो अतः हम इस संबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं जिसको कि हम यहाँ पे ले, यह गुण जो है यह संबंध जो है ये एक परिणाम जो है बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है इसे चैपमैन कलमगोरव समीकरण के रूप में भी जाना जाता है आइए हम अब ये बताएं कि दो चरणों की अगर कोई प्रायिकता संक्रमण आवयु अगर हमें परिभाषित है तो वो हमने देख लिया वो उसकी परिभाषा बहुत आसान है वो एक संक्रमण के आवयु जो होगा उसको वर्ग करके प्राप्त हो सकती है और इस तरह का अगर हम कोई भी संक्रमण की परिभाषा अगर निकालना चाहते हैं अगर वो एन चरणों में होगी तो मतलब अगर याचिक प्रक्रिया समय शुरुआत होती है स्थिति आय में लेकिन वह स्थिति जे में समय के अनवे पड़ाव पर पहुँचती है तो आप देख सकते हैं यह जो संक्रमण है वो एन समय के एन चरणों में होगा तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो आवयु होगा वो जो एक चरण का जो अवयु है उसको एनवी घात करके प्राप्त कर सकते हैं या इसको अवयु को एन बार गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार इस संबंध को हम थोड़ा और के और साधारण कर सकते हैं यह मान लें कि कोई याचिक प्रक्रिया अगर समय शुरुआत उसकी अगर आय व्य स्थिति में होती है और वो जैवी स्थिति में दो चरणों में जाती है ये जहाँ एम और एन दो धनात्मक पूर्णांक हैं दो चरणों में करने के लिए क्या प्रयत्ता होगी तो श्रृंखला एम चरणों के बाद कुछ मध्यवर्ती स्थिति के में होगी तो ये हमको पता है ये मान लें तो इस प्रायिकता का मान हम पूर्व के भांति इस पर निकाल सकते हैं कि हम मान लें कि प्रायिकता m के बाद चूँकि m चरणों में जाने हैं तो m के बाद किसी एक स्थिति k में होती है और k से फिर वो n चरणों में वो स्थिति j तक पहुंच जाती है तो इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यही परिणाम जो है वो चैपमैन कलमगौरव समीकरण के रूप में जाना जाता है जब हम इसको और साधारणीकृत कर देते हैं आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि कुछ और गुण मार्कोव श्रृंखला के सो so, अभी तक हमने देखा कि मार्कोव श्रृंखला में जो याचिक प्रक्रिया में कुछ स्थितियाँ होती हैं हम सर्वीकृत करने के लिए हम उस याचिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जबकि स्थितियाँ परिमित हैं जो कि लिमिटेड हैं फाइनाइट हैं तो आइए हम वर्गीकृत करें मार्कोव श्रृंखला को स्थितियों के अनुसार कि किस तरह की स्थितियाँ वो मार्को श्रृंखला रखती है इस प्रकार हम उसको कितने विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं तो परिभाषा इस तरह, तरह शुरू करते हैं यह हम कहते हैं कि स्थिति जे और आई अभिगम्य है मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वो मार्को श्रृंखला स्थिति आई से स्थिति जे में जा सकती है जिसको कि हमने इंगित किया हुआ है एक तीर से कि दिखाते हुए कि आई से जे में वो जा सकती है और ये प्रायिकता चाहे वो एक पद में जाए चाहे दो पद में जाए समय के या एन पद में जाए एन के किसी मान के लिए तो अगर ये प्रायिकता का मान शून्य से बड़ा होता है मतलब ये प्रायिकता शून्य नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये स्थिति जे जो है वो आई से अभिगम है मतलब कि याचिक प्रक्रिया जा सकती है आई से जे के बीच में इसी प्रकार हम ये मानते हैं कि प्रत्येक स्थिति याचिक प्रक्रिया की प्रत्येक स्थिति स्वयं से हमेशा अभिगम्य होगी वो स्थिति में तो कोई याचिक प्रक्रिया तो तो हमेशा रह सकती है तो वो किस समय के अगले पड़ाव पे भी वो उसमें ही रह सकती है तो वो तो हमेशा ही अभिगम्य होगी तो याचिक प्रक्रिया की जो संभावना है वो खुद अभिगम्य होने की संभावना हमेशा इकाई होगी अब हम एक और परिभाषा देते हैं वो ये है कि यासिक स्थितियाँ किसी भी मार्कोव श्रृंखला की स्थितियाँ आई जे हम कहते हैं कि परस्पर संवाद करती हैं जब हम इसको इंगित करते हैं एक दुधारी तीर से जिस दोनों तरफ दिया है कि ये स्थिति आई से जे में जा सकते हैं और जे से आई में जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरह के संक्रमण उस मार्गो श्रृंखला में और उस याचिक प्रक्रिया में संभव है एक स्थिति से दूसरी स्थिति जाना और वो दूसरी स्थिति ये जरूरी नहीं कि दोनों स्थिति का संक्रमण एक समय के समान पदों में हो वो अलग अलग पदों में भी हो सकता है लेकिन जा सकती है तो हम कहते हैं कि दो स्थितियाँ आपस में संवाद करती हैं संवादिता एक तुल्यता संबंध है इसका मतलब है कि प्रत्येक स्थिति स्वयं से संवाद करती है तो हर एक स्थिति आपस में संवाद कर सकती है तो वह तो आसानी है समझना अगर आई J में संवाद करती है इसका तो मतलब जे आई से भी संवाद करती है तो यह तुलता संबंध है और अगर आई J में जाती है और जे के में जाती है तो ये भी मतलब है कि आई भी जे में संवाद करेगी तो यह एक तरह से तुलता संबंध है आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो अभी हमने व्याख्या करी आपके समक्ष उसके हिसाब से देखें कि ये मार्कोव श्रृंखला दी हुई है आप देख सकते हैं कि ये आठ स्थितियों वाली मार्कोव श्रृंखला है जिसमें विभिन्न स्थितियों के बीच में संक्रमण को तीरों से दिखाया गया है यहाँ प्रायिकता नहीं दी गई है यहाँ पे केवल हमको स्थितियों के आधार पे चूँकि हमें वर्गीकृत करना है कि इस मार्कोव श्रृंखला में जो विभिन्न इसकी स्थितियाँ हैं आठ स्थितियाँ हैं क्या उनके बीच में कोई वर्ग हैं क्या सारी स्थितियाँ एक ही तरह की हैं तो हमने अभी तक दो परिभाषाएँ पढ़ी कि कोई स्थिति से दूसरी स्थिति में जा सकते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पर ध्यान दें तो स्थिति एक से हम स्थिति दो में जा सकते हैं और स्थिति दो से स्थिति एक में आ सकते हैं जहाँ स्थिति दो है वह खुद पे ही संक्रमण कर सकती है लेकिन स्थिति एक और अन्य स्थितियाँ यह काम नहीं कर सकती हैं यह, यह उनका गुण नहीं है स्थिति एक से तीन में जा सकते हैं लेकिन तीन से एक में नहीं आ सकते वहीं स्थिति तीन से चार में जा सकते हैं और चार से तीन में भी आ सकते हैं चार से आप पाँच में जा सकते हैं लेकिन पाँच से आप छः में जा सकते हैं और किसी और तरीके से आप पाँच में नहीं आ सकते हैं इस प्रकार तो अब अगर आपने ये देखा कि इस तरह के जो हमने जो आरेख दिया हुआ है इस परिमित मार्को श्रृंखला का उस श्रृंखला में हम आरेख से निम्न रूप से स्थितियों को वर्गीकृत कर सकते हैं कुछ व्याख्या मैंने आपके सामने पहले अभी करी दी तो हम देखते हैं कि एक स्थितियों का वर्ग है जो कि स्थिति एक और दो के बीच में बनता है तो ये स्थितियाँ आपस में एक दूसरे से संवाद कर रही और इनका संवाद स्वयं में है स्थिति दो से हम स्थिति आठ में नहीं जा सकते इसका जाने का मतलब है अगर हम आठ में चले जाएं तो जा सकते हैं दो से एक में जाएं एक से तीन में जाएं तीन से आठ में लेकिन हम फिर वापस नहीं आ सकते इसलिए यह इससे अभिगम नहीं है तो यह स्थितियाँ आपस में अभिगम हैं तो ये एक वर्ग बनाती हैं इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि स्थिति तीन और चार एक आपस में अभिगम्य है तो ये एक वर्ग बनाती हैं। स्थिति पाँच एक ऐसी स्थिति है जो कि एक बार अगर स्थिति पाँच में पहुंचा जा सकता है केवल स्थिति चार से और स्थिति पाँच स्थिति छः में ले जाती है और किसी तो यह एक अलग वर्ग बनाती है और अगर हम देखें नीचे बची हुई तीन स्थितियाँ तो ये स्थिति छः सात आठ तो वह एक अलग वर्ग बनाती हैं चूँकि ये आपस में अभिगम है हम छः से सात में जा सकते हैं सात से छः में जा सकते हैं हम छः से आठ में जा सकते हैं और आठ से छः में जा सकते हैं और जिस तरह से हम जा सकते हैं हम छः सात आठ भी जा सकते हैं छः सात जा सकते हैं और आठ से छः में जा सकते हैं छः से सात में जा सकते हैं सात से आठ में तो यह एक की स्थिति तो इस तरह हमने देखा कि स्थितियों में जो संक्रमण संक्रमणता दी हुई है कि संक्रमण कैसे हो रहा है उस आरेख को से हम दिखा सकते हैं कि इस मार्कोव श्रृंखला और इस याचिक प्रक्रिया में ये स्थितियों के आठ स्थितियों के ये चार वर्ग बनते हैं तो आइए हम थोड़ी सी परिभाषा को और आगे बढ़ाएं एक मार्को श्रृंखला अलघुकरणीय कहलाती है या इिड्यूसीबल कहलाती है यदि उसकी सारी स्थितियाँ परस्पर संवाद करती हैं अगर कोई भी मार्कोव श्रृंखला की सारी स्थितियाँ परस्पर संवाद करेंगे तो उसे और नहीं की ऐसा वह अलघुकरण ही कहलाती है मार्कोव श्रृंखला की किसी स्थिति आई के लिए हम परिभाषित करते हैं कि वह मार्कोव श्रृंखला समय के किसी अंतराल पर स्थिति अगर शुरू होती है आई पे तो समय के किसी भी समय पर वह पुनः आई ए में आएगी जहाँ समय एन का मान एक या एक से ज़्यादा हो सकता है मतलब किसी भी एन के लिए तो इस तरह यह बताता है यह पद यह, यह दिखाता है कि कोई स्थिति वापस अपनी उस स्थिति में अगर मार्को श्रृंखला किसी स्थिति से शुरू हो तो वापस उस स्थिति में आएगी किसी भी समय अंतराल के बाद तो उसको हम अगर हमने परिभाषित किया आप देखते एफ आई आई मतलब यह श्रृंखला वापस स्वयं स्थिति पर वापस लौट के आती है तो स्थिति आई आवर्ती है जब यह प्रायिकता इकाई हो मतलब अगर कोई आवर्ती है तो वह हमेशा उस पर लौट के आएगी तो हम कहेंगे मार्को श्रृंखला की वह स्थिति आवर्ती है मतलब उस उस स्थिति पे मार्को श्रृंखला जाएगी तो कुछ समय बाद वह वापस उस स्थिति पे लौट के आएगी और यदि इसका मान इस प्रायिकता का मान एक से कम होता है तो वह स्थिति हम बोलते हैं कि यह स्थिति या चिक प्रक्रिया या मार्कोव श्रृंखला की क्षणिक है मतलब वह अगर उस स्थिति दोबारा उस स्थिति में आने की संभावना एक नहीं है मतलब वह वो हमेशा नहीं आएगी कभी आ सकते है, कभी नहीं आ सकते अस्था वह स्थिति को हम क्षणिक स्थिति बोलते हैं मान लीजिए कि एक असत समय मार्कोव श्रृंखला किसी स्थिति I पर वापस आने की कुल संख्या को V से दर्शाया गया है मतलब वो अगर शंखा चल या माच श्रृंखला चल रही है तो समय के विभिन्न विभिन्न पड़ाव पे वो किसी एक विशेष स्थिति पे वापस आती है अगर उस उसको अनंत तक चलाया जाए तो उसके कुछ किसी एक विशेष स्थिति पे वापस आने की संख्या को अगर हम V से इंगित करें तो अगर स्थिति आई एक आवर्ती स्थिति है तो अगर वी अनंत अगर ये अनंत होगी अगर किसी भी स्थिति की वो अनंत बार उस स्थिति पे आएगी और इसकी संभावना इकाई होगी मतलब वो हमेशा अवश्य संभावी है कि उसको स्थिति उस पे आना ही है तो ऐसे ही तब तब बोलेंगे स्थिति आई एक आवर्ती स्थिति है यदि स्थिति आई एक क्षणिक स्थिति है मतलब उस, इस इस प्रायिकता का मान एक से कम है तो अनंत समय तक आने की संख्या जो होगी किसी एक स्थिति की वह एक ज्यामिति वितरण प्रस्तुत करेगी जिसे कि इस प्रकार लिखा जा सकता है तो ये हमने देखा कि मार्को श्रृंखला में कुछ स्थितियाँ बार बार श्रृंखला उस स्थिति पे आती है अतः वो आवर्ती हो, होती है और कुछ पे श्रृंखला की आ, आने की संभावना पूर्ण नहीं है वो वो आएगी कभी कभी नहीं भी आएगी तो अतः वो हम क्षणिक स्थिति बोलते हैं एक मार्कोव श्रृंखला जिसकी की स्थिति आई की कालावधि एक पूर्णांक है जो निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है कालावधि मतलब कोई मार्कोव श्रृंखला किसी स्थिति पर कितने काल तक रहेगी आ, तो ये वो महत्तम पूर्णांक है तो कालावधि मतलब वो आ, आ रही है उस श्रृंखला पे कि नहीं आ रही तो हम किसी श्रृंखला का अगर कालावधि का जो मान है अगर कालावधि का मान समय के किसी मान को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है तो उसकी प्रायिकता शून्य होगी और अगर यह कालावधि अनंत है तो भी हम परिभाषित करें कि, कि वो स्थिति में वापस लौट के नहीं आती है तो एक एन के समय के सभी मानों के लिए और जब कालावधि एक से ज़्यादा है तब हम यह कहा जाता है कि स्थिति आवर्ती है वो कितने देर तक किसी स्थिति पर रहती है अगर वो एक समय के एक पड़ाव से ज़्यादा है तभी वो स्थिति आवर्ती कहलाएगी वरना वो क्षणिक कहलाएगी और जब कालावधि जब केवल एक का जिस दिन अभी तक किसी स्थिति में रहेगी वो समय के एक ही पड़ाव के बराबर है जब यह है तो वो स्थिति को अनावर्ती बोलेंगे मतलब वो नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग स्थिति है अंग्रेजी भाषा में एक परिमित अपरिवर्तनीय मार्ग श्रृंखला पर विचार करें अपरिवर्तनीय तो मतलब जिसकी सारी स्थितियाँ आपस में संवाद कर रही हैं परिमित क्योंकि उसमें स्थितियों की संख्या एक फाइनाइट या है यदि श्रृंखला एक में स्वतः संक्रमण होता है किसी भी आय के लिए तो वह श्रृंखला अनावर्ती है अगर सतह में स्वतः संक्रमण होगा अगर कहीं तो वह अनावर्ती है क्योंकि स्वतः संक्रमण होगा तो वह जो है वह अनावर्ती कहलाएगी और मान लीजिए कि स्थिति आई से स्थिति आई तक मतलब उसी स्थिति में वापस आने में एल चरणों में या ए कोई एल कोई पूर्णांक है चरणों में जा सकते हैं समय के तो अगर इस प्रायिकता का मान शून्य से ज़्यादा है इसके अलावा मान लीजिए कि एक और प्रायिकता जो कि उस स्थिति से उस स्थिति में आने में एम चरणों में उसका मान भी शून्य से ज़्यादा है तो अगर इन दोनों मानों का एल और एम ये समय के मानों का अगर महत्तम सामान्य भाजक जो है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर एक होता है तो स्थिति एक अनावर्ती कहलाएगी तो हम इन सबको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अगले पटल पे एक श्रृंखला अनावर्ती होती है यदि और केवल तभी जब एक धनात्मक पूर्णांक अन मौजूद मौन, मौन, है समय का पूर्णांक मौजूद है जिसके के लिए आवयु पी घात पी पी एन के सभी पद शक्ति से सकारात्मक हो मतलब कोई भी पद शून्य नहीं हो अगर वो शून्य हो गया तो जो है वो श्रृंखला आवर्ती हो जाएगी ये सब अनावर्ती तभी होगी जब सारे पदों की संभावना शून्य से ज़्यादा होगी आइए इन परिभाषाओं को एक उदाहरण के माध्यम से समझें अब जैसा कि हमने पूर्व में यह उदाहरण को ही लिया है कि एक परिमित मार्कोव श्रृंखला आठ स्थितियों वाली जो दी है जिनका एक हमने पहले ही देख रखा है और अब हम ये देख रहे हैं कि हमने इसमें बहुत सारे वर्ग परिभाषित किए थे चार तरह के वर्ग वर्ग तो उनमें अगर पहला वर्ग जो स्थिति एक और दो के बीच में क्या वह अनावरती है क्या जो वर्ग स्थिति तीन और चार के बीच में है वो अनावरती है या स्थिति छः सात आठ के बीच में है क्या वो अनावरती है यही यह है भी मार्कोव मार्कोप के बारे में यह प्रश्न पूछे गए तो आइए इनका हल देखें कि क्या होगा तो जहाँ तक पहली स्थिति का सवाल है हमने परिभाषा देखा क्या परिभाषा देखा कि स्थिति एक और दो अनावरती होंगी ये स्थितियाँ अनावर्ती होंगी क्योंकि यह एक स्वतः संक्रमण जो कि स्थिति दो में है को रखती हैं तो अतः यह वर्ग और ये स्थितियाँ जिस वर्ग में सम्मिलित स्थितियाँ आना वारती होंगी ये इस ये वापस नहीं जा सकती हैं इसमें अगर हम वर्ग दो की बात करें जो कि स्थिति तीन चार के बीच में है तो हम देख सकते हैं कि वह स्थिति एक से एक समय के एक पड़ाव पे हम यहाँ पहुँचेंगे उसके अगले पड़ाव पे हम यहाँ सकते हैं तो आने का काल जो होगा वो इसमें कालावधि होगी स्थिति में रुकने की वो दो होगी समय को दो पड़ाव के बाद ये वापस उस पर आती रहेगी तो ये इसके साथ आवर्ती है ये हम आराम से देख सकते हैं कि आवर्ती है चूँकि यहाँ से अगर जाएंगे तो वापस हम इस पर नहीं तो ये आपस में अनावरती है अगर हम ये हैं इनकी कालावधि जो होगी वो दो होगी आप देख सकते हैं यह तो आवर्ती होगी न कि अनावर्ती जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था जहाँ ये चौथा वर्ग था जो कि स्थिति छः सात आठ के बीच में है ये एक अनावर्ती वर्ग होगा क्यों ऐसा अनावर्ती वर्ग होगा अगर हम देखें ध्यान से तो ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि स्थिति छः से छः में जाने के दो चरण हैं एक चरण तो यह है कि स्थिति छः से छः छः से सात में सात से छ में तो ये दो चरणों में पहुँच गई और स्थिति छ से सात में सात से आठ में और छः में तो ये भी स्थिति छः पर पहुँच तो हम देखते हैं स्थिति छः के लिए दो तरह के अवधि है एक दो चरणों में पहुंचा एक तीन चरणों में पहुंचा तो हमें परिभाषा के अनुसार जब ऐसा होता है कि कोई स्थिति एल और एम चरणों में पहुंच सकती है तो अगर महत्तम सामान्य भाज्य एल और एम का अगर एक है तो वह स्थिति जो होगी वह अनावर्ती होगी अथवा वो आवर्ती होगी तो चूंकि हम देख सकते हैं दो तीन का जी या महत्तम सामान्य भाज्य एक होगा तो हम ये निश्चित निकालते हैं कि स्थिति छः और इसको रखने वाला वर्ग दोनों ही अनावर्ती है तो इसके साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं आ, हमने आपके सामने कुछ प्रश्न मार्ग ये जो है याचिक प्रक्रिया के बारे में और उसके एक प्रमुख उदाहरण मार्को श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत किया नमस्कार